जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे वीडियो देखा है, अगर इस प्रकार का वीडियो आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत आसानी से यह वीडियो बनाना आ जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले काइनमास्टर को डाउनलोड करना है। बिना वाटरमार्क के काइनमास्टर कैसे डाउनलोड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। उसके बाद आप वहां से डाउनलोड कीजिए, आपका वाटरमार्क हट जाएगा और आप शानदार एडिट कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि जैसा हमने वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाया वह वीडियो किस प्रकार से आप बनाएंगे और म्यूजिक किस प्रकार से लगाएंगे जिससे कि कॉपीराइट ना आए। दोस्त अब आप देख सकते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। काइनमास्टर को टच करते हैं। काइनमास्टर को टच करने के बाद क्रिएट न्यू पे टच करना है, फिर यूट्यूब का एक ले लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक आपको बैकग्राउंड लेना है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हमने ले लिया। इसको अपने मनपसंद जितना बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। मैं जितने सेकंड जितने मिनट का बनाना चाहता हूं उतना कर ले रहा हूं, और आपको जितने मिनट जितने सेकंड का बनाना है कर लीजिए। उसके बाद आपको बैग आ जाना है। बैग आ जाने के बाद आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको स्टिकर पे जाना है। स्टिकर पे जाने के बाद आपको ऐसे ऊपर करते जाना है और आएगा शूट स्टार्ट। अगर आप में ये नहीं आ रहा है तो इसको आपको डाउनलोड करना होगा। ये जो इनबॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स पे जब आप टच करेंगे तो शूट स्टार्ट आएगा, उसको डाउनलोड आप कर लीजिए। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री में है, ये फ्री का टूल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टच कीजिए। टच करने के बाद आपको जो पसंद आता है वो ले लीजिए। मुझे ये पसंद है तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब इसको ले लेने के बाद सही क्लिक करना है। उसके बाद इसको सही जगह पे सेट करना है। जैसे कि ये अगर इस कोने से निकलेगा तो इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आपने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा चला के देख लेना है। चला के आप देख लीजिए, हाँ सही जगह है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी पे आपको रोक लेना है। रोक लेने के बाद फिर लेयर पे टच करना है। लेयर पे टच करने के बाद आपको अपनी एक फ़ोटो लगाना है। आपको अपनी एक फ़ोटो लगाने के लिए मीडिया पे टच करना है। मीडिया पे टच करने के बाद जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर को आप ले टच करके फ़ोटो को ले लीजिए। अब जैसे कि हमने इस फोल्डर में फ़ोटो रखा था, इसको ले लिया, और अब इसको हमें सेट करना है यहाँ पे ले जाके, यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमें इसका जो है फ़ोटो का ये बढ़ा देना है, अपना जितना आप बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं अपना बढ़ा दिया जितना बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको इस फ़ोटो पे क्लिक करना है। इस फ़ोटो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये जो आपका जो है चाबी का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा से आपको मतलब खिसका देना है। जब आप इस तरह से खिसकाते जाएं तो उसके थोड़ी देर के बाद छोड़ करके इसको आप आराम से धीरे 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 आप इस प्रकार से इसको सेट कर दीजिए जूम करके। अब आपने इसको सेट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं तो इसको सही का टिक कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब ये इस प्रकार से चलेगा। जैसे यहाँ पे आपने चलाया तो इस प्रकार से ये चलेगा। अब यहाँ पे जैसे ये रुक जाए उसी समय आपको फिर लेयर पे टच करना है। लेयर पे टच करने के बाद स्टिकर पे जाना है। स्टिकर पे जाने के बाद आपको फिर से जो मैं बताया था शूट स्टार्ट्स पर जाना है। शूट स्टार्ट्स पर जाने के बाद आप इस चीज़ को ले लीजिए और आप इसको लेकर के थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर दीजिए। अब जैसे आप इसको इस प्रकार से बड़ा कर लीजिए, यानी कि स्क्रीन के बराबर कर दीजिए। स्क्रीन के बराबर करने पे कम सही लग रहा हो तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। छोटा कर लेने के बाद इसको आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अब इसको आप सही का टिक लगा दीजिए। अब आप चला के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को ये मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करिए कि अभी आपका जो है ना यहाँ पे इस प्रकार से चलाते जाइए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पे नाम लिखने के लिए पहले इसको सही चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद लेयर पे जाइए। लेयर पे जाने के बाद टेक्स्ट पे जाइए। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप अपना लिख दीजिए। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं, या कोई और लिखना चाह रहे हैं कुछ और तो आप वह भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया और लिख देने के बाद इसको हमने बड़ा कर दिया,
जूम कर लिया। जूम करने के बाद इसको हमने इस जगह पे लाके सेट कर दिया, सेट कर दिया। अब आपको ध्यान देना है, इसको सही के टिक लगा देना है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि आपको यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ में कुछ और भी शानदार लुक बनाएं, तो पहले एक बार मैं चला के आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको फिर मैं दिखाता हूं कि और शानदार लुक कैसे इसमें बना सकते हैं। अब आपका इस प्रकार से ये होगा, तो आपका इस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ में अब जैसे देखिए यहाँ पे सादा हो गया, तो आप इस चीज़ को ना और बड़ा कर दीजिए, इस चीज़ को यहाँ तक कर दीजिए। तो अब ये शुरू से आखिरी तक जो है आपका ये एनिमेशन चलता रहेगा। अब जैसे आप इसको शानदार लुक और बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप जैसे ही ये फ़ोटो ऐसे करके चला के एक बार देख लीजिए, जैसे ही ये फ़ोटो रुक जाए, इसी जगह पे आपको लेयर को टच करना है। लेयर को टच करने के बाद इफ़ेक्ट्स पे जाना है। इफ़ेक्ट्स टच करने के बाद ब्लिंकिंग लाइट्स पे जाना है। ब्लिंकिंग लाइट पे जाना है आपको। अगर ये आप में देखने को नहीं मिल रहा है तो आप घबराइए नहीं, ये बॉक्स पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ जा करके ऐसे लगा दीजिए और इसको पूरे स्क्रीन पे कर दीजिए बड़ा। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार वीडियो देखने को लगेगा। अब यहाँ पे सही की टिक लगा दीजिए और यहाँ पे चला के देखते हैं एक बार। देख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये पूरे पे चलता रहे, तो आप जहाँ तक वीडियो में ये चलाना चाह रहे हैं उतना बड़ा आप कर लीजिए। अब जैसे कि देखिए, अगर आप इस पर म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आप इस पर म्यूजिक भी लगा सकते हैं। आपका म्यूजिक कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, जब उस प्रकार से आप जो है लगाएंगे, तब सबसे पहले क्या करना है कि म्यूजिक डाउनलोड करना है आपको यूट्यूब पे जा करके। अभी मैं उसको बता दूंगा लास्ट में। ये इस पर मेरा एक वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं कि म्यूजिक हम डाउनलोड कहाँ से करें जिससे कि हमारा कोई भी म्यूजिक या कोई भी सॉन्ग कॉपीराइट ना आए। तो मैं एक आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए पीछे और यहाँ पे ला करके आइडियो को टच कीजिए। आइडियो को टच करने के बाद एल्बम को टच कीजिए। एल्बम को टच करने के बाद मान लीजिए कि हमने डाउनलोड कर रखा है, तो हमारा ये आ गया। अब जैसे हम लगा देते हैं लाखों हैं दीवाने, अब ये गाते हुए नज़र आएगा, देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव कर लेना है। यहाँ पे आप जाइए, उसके बाद आप अपना HD या Full HD जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो मैं Full HD लेना चाह रहा हूँ, तो मैं Full HD करके यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए धीरे धीरे सेव हो रहा है। अब ये सेव हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो फिर से देखने को मिल सके।